तो जो भी लोग मेरे पुराने व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हो तो ये बैकग्राउंड देखकर आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे मैंने कितने सारे वीडियो बनाए हुए हैं। मेरा जितना भी आप लोग पुराना वीडियो सब देखोगे ना, मैक्सिमम वीडियो यहीं पे मैंने शूट किया हुआ है। काफी याद जुड़ा हुआ है इस रूम से। वैसे आप लोग को थंबनेल देखकर तो आइडिया लग ही गया होगा कि आज का जो मेरा वीडियो है कौन से टॉपिक पे होने वाला है। तो हाँ, आज मैं डोमिनोज का 24 आवर्स चैलेंज करने वाला हूँ। और हाँ, कमेंट में कॉपी लिखने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये जो 24 आवर्स चैलेंज वाला वीडियो है ना, यूट्यूब में हजारों वीडियो पड़ा हुआ है। मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स को इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हुए देखा है और वैसे भी डोमिनोज मुझे काफी पसंद है। मैं सोचा अभी तो मैं घर पे ही हूँ और जो मेरा नेक्स्ट ट्रेवल स्टार्ट होने वाला है वो 4 या 3 दिन बाद स्टार्ट होगा, तो मैं सोचा चलो अभी घर पे 2-3 दिन है तो ये चैलेंज वाला ही वीडियो बना लिया जाए। वैसे आप लोग कमेंट करके बताना, अभी 2-3 दिन और है मेरे पास, किस चीज का आप लोग 24 आवर्स चैलेंज देखना चाहोगे कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो को कम से कम 40,000 लाइक कर देना और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो क्योंकि सारा जो अपडेट्स वगैरह आते रहता है ना वहीं पे आता है, यहाँ पे थोड़ा लेट आता है, इसलिए मेक श्योर कि आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना मुझे। तो चलो बिना किसी देरी के अपने इस चैलेंज को स्टार्ट किया जाए। अभी यहाँ पे सीन क्या है ना कि मुझे करना है अभी ब्रेकफास्ट, वो भी डोमिनोज से। डोमिनोज शायद 11:30 बजे के इधर खुलता नहीं है, शायद 10 बजे खुलता है क्या, मुझे टाइम भी पता नहीं है, मैं चेक कर लूंगा एक बार। वैसे अभी टाइम जो हुआ है सुबह का 9, अभी और मुझे 2 घंटा वेट करना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, वेट करते हैं, उसके बाद जो भी मैं आइटम मंगवा लूंगा उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा। हाँ जी, तो ये आ गया मेरा ब्रेकफास्ट। तो मैं बता दूं मैंने ब्रेकफास्ट के लिए क्या क्या मंगवाया है। सबसे पहले देख लो मेरा फेवरेट, ये डोमिनोज का झिंगी पार्सल, ये मुझे बहुत ही पसंद है। आपने भी देखा होगा मैं डोमिनोज का अगर कुछ भी ऑर्डर करता हूँ ना तो उसके साथ ये झिंगी पार्सल मंगाता ही हूँ। एंड इसके साथ मैंने ये मंगाया एक पास्ता और साथ में एक टाको मैक्सिकाना। ओवरऑल ये होने वाला है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। एंड इन सभी का मैंने रिव्यू ऑलरेडी करके रखा हुआ है, अगर आप लोग को प्रॉपर इन सब का रिव्यू चाहिए तो आप लोग को मेरे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना, या फिर आप लोग को मेरे चैनल पे डोमिनोज को लेकर काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे तो आप लोग वहां भी चेकआउट कर सकते हो। तो देख लो ये होने वाला है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, ये क्रीमी टोमेटो पास्ता वेज एंड ये टाको मैक्सिकाना वेज और साथ में ये मेरा फेवरेट झिंगी पार्सल, टेम्पर प्रूफ सील और ये सभी के ऊपर आपको मिलेगा ऐसा स्टिकर। तो चलो एक एक करके मैं सबको खोल के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ से टाको मैक्सिकाना को, तो ये देख लो टाको मैक्सिकाना, काफी दिनों बाद मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। ये तो भाई साहब मेरा फेवरेट है, पनीर झिंगी पार्सल एंड लास्टली ये मेरा पास्ता। पैकिंग का मैं जितना भी तारीफ करूँ उतना कम है। तो ये देख लो, तो ये क्रीमी टोमेटो पास्ता है, तो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ अपने इस फेवरेट झिंगी पार्सल को। मुझे आप डोमिनोज लेकर जाओ, मुझे पिज्जा ना खिलाओ चलेगा, लेकिन मुझे यार एक झिंगी पार्सल खिला दोगे मेरा हो जाएगा, इतना पसंद है मुझे ये, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर अभी तक आप लोगों ने डोमिनोज का झिंगी पार्सल नहीं ट्राई किया है मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ जरूर ट्राई करना। अब ट्राई करता हूँ इस टाको मैक्सिकाना को एंड इसके अंदर ये एक वेज पैटी है, इसका भी टेस्ट मैं बोलूंगा ठीक है। वैसे मुझे टाको मैक्सिकाना उतना नहीं पसंद है लेकिन हाँ वेज वाला मुझे अच्छा लगा। वाह, ये टाको मैक्सिकाना के अंदर जो मेयोनीज यूज किया गया है ना उससे काफी कमाल का लग रहा है ये। एंड लास्टली इस पास्ता को करता हूँ मैं ट्राई। शायद आप लोगों को तो पता ही होगा डोमिनोज ने अपने मेन्यू में कुछ नए पास्ता लॉन्च करे थे जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर रखा हुआ है, उसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। काफी क्रीमी है और थोड़ा सा टैंगीनेस भी है इसमें और साथ में ये कैप्सिकम अनियन एंड ऑलिव, इसका कॉम्बिनेशन पास्ता के साथ काफी अच्छा लग रहा है। इस पास्ता के ऊपर अगर आप अलग से वो जो चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर लोगे ना तब तो और भी अच्छा लगेगा ये, मैं ऐसे ही खाता हूँ इसको। अब मैं फटाफट जल्दी से इन सबको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मुझे बैंक भी जाना है, बैंक से आने के बाद मैं लंच कुछ ऑर्डर करूंगा अपने लिए, जो भी ऑर्डर करूंगा वो मैं आप लोग को बताऊंगा, फिलहाल अभी मैं इसको कम्प्लीट करता हूँ। तो ये ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है कम्प्लीट, देख लो पूरा सफाचट हो चुका है हर कुछ। चलो अब इसके बाद जब मैं अपना लंच ऑर्डर करूंगा तब दिखाता हूँ। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपना टिकट वगैरह बुक करने लगा तो उसी में टाइम चला गया और अभी बच गया दोपहर का 2। बाय द वे मैं इस 8 फेब को जा रहा हूँ सिलीगुड़ी, कुछ एक दिन का मेरा काम है वहाँ पे। खैर कोई नहीं, अब मैं बता दूं मैंने अपने लंच के लिए क्या क्या ऑर्डर किया है। तो मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे पनीर टिक्का स्टफ गार्लिक ब्रेड जिसका प्राइस है 159 रुपीज, उसके साथ मैंने ऑर्डर किया है एक चीजी मीट बॉल जो की ये न्यू चिकन का आइटम आया है डोमिनोज में जिसका प्राइस है 119 रुपए, उसके साथ मैंने 2 पिज्जा ऑर्डर किया है जिसको मैंने एवरीडे वैल्यू में ऑर्डर किया है, एक पिज्जा का प्राइस 145 करके पड़ा, एक है चिकन फिश और दूसरा है मैक्सिकन ग्रीन वेव। तो ओवरऑल ये सारे आइटम मैंने ऑर्डर किए हैं, देखो कब तक आता है। चलो कोई नहीं, जब आता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो एग्जैक्ट 30 मिनट बाद ये आ गया मेरा डोमिनोज से मेरा लंच, वैसे काफी गर्मा गर्म है अभी भी। तो ये देख लो मैंने ये सारे आइटम मंगवाए हैं। तो सबसे ऊपर मुझे ये दिख रहा है चीजी मीट बॉल, उसके बाद ये पनीर टिक्का स्टफ गार्लिक ब्रेड, तो ये जो है मेरा चिकन फीस्टा पिज्जा है, लास्टली ये मेरा मैक्सिकन वेव एंड अंदर में देख लो वही ढेर सारे चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो और साथ में वही टिश्यू। सबको एक एक करके मैं खोल के दिखाता हूँ।
तो ये देख लो, ये रहा चिकन फिस्टा पिज्जा। इसके ऊपर आपको ग्रिल चिकन रेशर्स, पेरी पेरी चिकन भी दिख रहा होगा विथ अनियन एंड कैप्सिकम। अब दिखाता हूँ ये मैक्सिकन वे पिज्जा को। तो ये देख लो, ये रहा मैक्सिकन वे पिज्जा। अब देखते हैं ये चीजी मीटबॉल कैसा है। ये एकदम न्यू लॉन्च हुआ है डोमिनोज में, ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। एंड ये जो गार्लिक ब्रेड है ना, ये भी मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई करूंगा। ओ भाई साहब, ये क्या है, ये तो काफी सही लग रहा है दिखने में भाई। इसको टेस्ट करने के लिए तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे मुंह में पानी आने लगा अभी से ही। अब दिखाता हूँ इस न्यू पनीर टिक्का गार्लिक ब्रेड को। ये देख लो, ये डोमिनोज का एकदम न्यू पनीर टिक्का स्टफ गार्लिक ब्रेड। चलो इन सबको मैं जल्दी से ट्राई करता हूँ। और वैसे इन तीनों आइटम को मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूं, तो इन तीनों का थोड़ा बहुत रिव्यू भी दे दूंगा आप लोगों को कि ये मुझे कैसा लगा। दिखाता हूं इसके अंदर क्या स्टफिंग किया गया है। तो ये देख लो, ये इसके अंदर स्टफिंग है। पनीर में खोज रहा हूँ, पनीर कहाँ पे है। अच्छा ये देख लो, ऊपर में साइड में दिख रहा होगा पनीर। खैर इसको अभी साइड करता हूँ मैं। मुझे ये इनका काफी कमाल का लग रहा है, ये चीजी मीटबॉल। तो ये देख लो, कुछ ऐसा है ये मीटबॉल। तो चलो जल्दी से पेट पूजा किया जाए, काफी जोड़ों का भूख लग गया है। चलो अब जल्दी से इन सारे आइटम को एक एक करके टेस्ट करता हूँ। और सबसे पहले स्टार्टिंग करता हूँ इस चिकन फिस्टा पिज्जा से, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। एंड सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा होगा ये चिकन रेसर्स। साइज देख लो भाई, क्या सही साइज है इसका। ठीक है मैं बोलूंगा, मतलब डोमिनोज के किसी नॉर्मल पिज्जा की तरह इसका टेस्ट है। अलग से ये जो चिकन रेशर्स है और साथ में ये पेरी पेरी चिकन, इन दोनों का टेस्ट मतलब मैं क्या ही बोलूं, उतना भी कुछ यूनिक नहीं लग रहा है। चलो इसको मैं रख देता हूं अभी। अब मैं ट्राई करता हूं डोमिनोज के इस मैक्सिकन वे पिज्जा को। और ये देखकर काफी सही लग रहा है, काफी सारे वेजेस मुझे ऊपर दिख रहे हैं। इसके ऊपर अगर मैं टॉपिंग्स की बात करूं तो मुझे यहाँ से एलापिनोज दिख रहा है, कैप्सिकम दिख रहा है, टोमेटो दिख रहा है, अनियन दिख रहा है एंड ढेर सारा चीज दिख रहा है। चलो लेते हैं एक बाइट इसका भी। बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका। इसमें मुझे पता है सबसे अच्छा बात क्या लगा, वैसे तो ये अनियन एंड कैप्सिकम का तो क्रंच आ ही रहा है, बीच बीच में ये जो टोमेटो आ रहा है ना, बहुत ही सही लग रहा है। ये काफी अच्छा सा स्वीटनेस आ रहा है इसके अंदर से, मेरे को काफी सही लगा ये मैक्सिकन वे पिज्जा। मेरा तो भाई वो दो पिज्जा का स्लाइस खाकर ही पेट भर गया है, लेकिन अब ये चीजी मीटबॉल जो है काफी टेम्पटिंग लग रहा है, तो मैं बोला इसको ट्राई करना तो बनता है। ओ भाई क्या है ये जो आप मीटबॉल देख रहे हो ना, ये एकदम टैंगी स्पाइसी सॉस के साथ कोटेड है, बहुत ही सही टेस्ट कर रहा है। ये जो डोमिनोज का न्यू चीजी मीटबॉल है ना, मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ इसको जरूर से जरूर ट्राई करना। एंड ऊपर ये जो एग्जॉटिक टॉपिंग्स है इसका तो क्या ही कहना, इसके वजह से तो और चार चांद लगा हुआ है इसके ऊपर। बड़े दिनों बाद डोमिनोज ने कुछ ऐसा निकाला है, काफी मजा आया खाकर। लास्टली मैं अब इस पनीर टिक्का स्टफ गार्लिक ब्रेड को करता हूँ टेस्ट। दिखने में तो ये काफी नॉर्मल लग रहा है, होप कि इसका टेस्ट अच्छा हो, और जहां तक मुझे लगता है टेस्ट अच्छा होगा, क्योंकि इनका ये जो गार्लिक ब्रेड है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। सिंपली अगर मैं इस नए वाले पनीर टिक्का स्टफ गार्लिक ब्रेड के बारे में बताऊं, वो जो होता है ना कुलचा, पनीर कुलचा, मसाला कुलचा, जो आप लोगों ने खाया होगा, समझ लो उसका जो एडवांस वर्जन होगा ना, एकदम एडवांस, कोई अगर अच्छे फाइव स्टार होटल में अगर जो खाते हो आप, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट लग रहा है इसका। ये मेरा ओपिनियन है, मुझे कुछ ऐसा लगा, आप लोगों को कुछ अलग भी लग सकता है ये। एंड ये देख लो, कुछ ऐसा पनीर इसके अंदर स्टफ किया गया है। एक और चीज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अनियन का भी कुछ ज्यादा यूज किया गया है। मुझे सारे के सारे आइटम ही अच्छे लगे, वो चिकन फिस्टा मुझे ओके ओके सा लगा, लेकिन ठीक लगा। तो ओवरऑल मेरा ये सारा लंच था, पेट मेरा हो गया है फुल। अब देखना है शाम को मैं क्या खाऊंगा, अगर भूख लगा रहेगा तो कुछ हल्का फुल्का तो खाऊंगा ही। तो लंच करने के बाद मैं चला गया था एडिटिंग करने के लिए, उसके बाद थोड़ा सा एडिटिंग किया। वैसे अभी जो टाइम हो गया है शाम का 6:05 हो रहा है, तो अभी मुझे कुछ हल्का खाने का मन हो रहा है, देखना पड़ेगा क्या मैं अभी खा सकता हूँ। ऑलराइट, तो ये मैं लेकर आ गया अपने लिए मेरा इवनिंग का नाश्ता। हाँ जी, इवनिंग का नाश्ता, हैशटैग मोइनसाइड हिट ओपी इवनिंग का नाश्ता। ये देख लो, मैं डोमिनोज का ये दो आइटम लेकर आया। अब ये डोमिनोज के मेन्यू में एकदम न्यूली लॉन्च हुआ है, अब इसके अंदर क्या है क्या नहीं है वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। चलो फटाफट दिखाता हूँ कि इसके अंदर है क्या। तो ये देख लो, ये दो आइटम मैं लेके आया हूँ। मैं बता दूं, ये डोमिनोज का न्यूली लॉन्च्ड मोरक्कन स्पाइस चिकन चंक्स एंड चिकन नगेट्स है, तो मैं दोनों को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसे खोलूं, देखूं इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर ये पेपी चिकन नगेट्स है एंड इसके अंदर ये, ओ भाई साहब इसको तो पूरा एकदम ढक के रखा गया है, पहले देख लूं। ये है मोरक्कन स्पाइस चिकन चंक्स, और देखकर दोनों ही कमाल का लग रहा है, तो मैं तो इन दोनों को ट्राई करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। तो चलो फटाफट ट्राई किया जाए। सबसे पहले मैं ये पेपी चिकन नगेट्स को करता हूँ ट्राई। वैसे इसका जो प्राइस है इस चिकन नगेट्स का 139 रुपीज है, टोटल 8 पीस चिकन नगेट्स मिलता है। चलो ट्राई करता हूँ मैं।
वो जो हम लोग वेंकीज का चिकन नगेट्स खाए थे ना उससे ये टोटली डिफरेंट है। मतलब इसके ऊपर ये जो पेरी पेरी सीजनिंग है ना उससे काफी अच्छा लग रहा है ये। वो जो चिकन का टेस्ट है ना वो भी काफी फ्लैट है लेकिन इस पेरी पेरी सीजनिंग की वजह से काफी अच्छा लग रहा है ये। मैं बोलूंगा इसके साथ एक डिप होना चाहिए था। अगर आप जब भी इसको ऑर्डर करते हो ना तो डोमिनोज का कोई एक डिप ले लेना। थोड़ा ठंडा हो गया लेकिन गर्म रहता तो और मजा आता। अब मैं ट्राई करता हूँ इस मोरक्कन स्पाइस चिकन को, देखता हूँ ये कैसा है। वाह भाई वाह, चिकन जो है ना एकदम सॉफ्ट एंड जूसी है और साथ में ये जो स्पाइसी हरिसा सॉस के साथ जो कोटेड है ना उससे काफी अच्छा लग रहा है। स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मुझे लेकिन अच्छा लग रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो इसके ऊपर बेजिल एंड पार्सले स्प्रिंकल किया हुआ है। सही है, चिकन बहुत ही जूसी है, अच्छा है ये। वाह, अभी सीन क्या है कि मुझे रात का डिनर भी करना है और पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। देखो रात में कुछ हल्का ही मंगाऊंगा अपने लिए, अगर ज्यादा खाना मंगवा लेता हूँ ना तो वो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए ट्राई करूंगा डिनर में कुछ हल्का ही मंगाने का डोमिनोज से। फिलहाल डोमिनोज के ये दोनों ही चिकन आइटम मुझे अच्छे लगे। ये जो मोरक्कन स्पाइस चिकन चंक्स था ना ये काफी अच्छा लगा और ये जो चिकन नगेट्स है ये भी ठीक है लेकिन इससे अच्छा मुझे ये वाला लगा। चलो फिलहाल अभी जाता हूँ, थोड़ा इधर उधर टाइम पास करता हूँ, उसके बाद जब डिनर ऑर्डर करूंगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी टाइम हो गया है डिनर का। वैसे तो आज डिनर करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, पेट पूरा एकदम फुल है लेकिन फिर भी मैं ये कर रहा हूँ 24 आवर्स चैलेंज, तो मुझे रात का डिनर मंगाना ही होगा डोमिनोज से कुछ ना कुछ। वैसे खर्च भी काफी ज्यादा हो गया है, वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा टोटल मेरा कितना खर्च बैठा। वैसे जो मेरा डिनर है ना रात के मैं 11 या 11:30 बजे के आसपास करता हूँ लेकिन डोमिनोज शायद 10 या फिर 10:30 बजे तक बंद भी हो जाता है, इसलिए मैंने पहले ही मंगवा लिया है। तो मैंने मंगाया है एक कीमा 2 प्याजा पिज्जा, साथ में एक चिकन पेपरोनी स्टफ गार्लिक ब्रेड, उसके साथ एक डिजर्ट में मैंने ब्राउनी फैंटेसी मंगवाया है। एंड ये जो सारा आइटम है ये आ भी चुका है, देख लो। चलो मैं इन सबको खोल के दिखाता हूँ। पहले तो सबको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इसको करता हूँ अभी साइड, अभी मैं काम की चीज दिखाता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं इस पिज्जा को दिखाता हूँ जो कि कीमा 2 प्याजा। ये डोमिनोज में शायद बहुत दिनों से है लेकिन कभी मुझे इसको ट्राई करने का मौका ही नहीं मिला। ब्राउनी फैंटेसी थोड़ा बेचारा इधर उधर बिखर गया है। ये जो न्यू चिकन पेपरोनी स्टफ गार्लिक ब्रेड है ना इसका प्राइस है 159 रुपीज। ये जो ब्राउनी फैंटेसी है ये 59 रुपीज का ओनली, इसका प्राइस है 165 रुपीज। लेकिन अगर आप अभी डोमिनोज में सेव 100 कोड डालोगे ना तो आपका 100 रुपीज फ्लैट ऑफ हो जाएगा। तो देख लो ओवरऑल यही होने वाला है मेरा आज का डिनर। इस ब्राउनी फैंटेसी को तो मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है, देखते हैं ये कीमा 2 प्याजा पिज्जा कैसा है और ये गार्लिक ब्रेड। सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ इस कीमा 2 प्याजा को, मतलब कीमा 2 प्याजा पिज्जा को, देखता हूँ टेस्ट करके कैसा है ये। देखो भाई यहाँ पे 2 रीजन हो सकता है, मेरा जो पेट है ना एकदम फुल है तो मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपने कभी भी कीमा 2 प्याजा जो पिज्जा है उसको ट्राई किया है तो आप कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगता है। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। हाँ ये जो कीमा है एक्चुअल में वो कीमा जैसा टेस्ट आ रहा है लेकिन हाँ मुझे कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं लगा। तो ये पिज्जा मैं बोलूंगा ठीक ठाक सा भी नहीं, मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगा ये। जैसा कि मैंने बताया या तो मेरा पेट भरा हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है या फिर सच में इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। तो अब देखता हूँ डोमिनोज का ये न्यू चिकन पेपरोनी स्टफ गार्लिक ब्रेड कैसा है। जैसा कि मैंने बताया चिकन पेपरोनी इनके पास अभी था नहीं तो इन लोगों ने क्या किया कि चिकन पेपरोनी की जगह चिकन टिक्का डाल दिया। खैर कोई नहीं, पूछकर ही डाला मुझसे। वैसे देखने से तो काफी सही लग रहा है। इसका भी जो टेस्ट है ना वो जो दोपहर में मैंने ट्राई किया था ना पनीर टिक्का स्टफ गार्लिक ब्रेड बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, बस वो पनीर टिक्का की जगह इसके अंदर चिकन टिक्का डाला हुआ है। हो सकता है इसके अंदर चिकन पेपरोनी का स्टफिंग रहता तो ये थोड़ा अलग लगता। तो कुछ ये साइज का चिकन डाला गया है, देख लो। ये बाय द वे चिकन टिक्का है। अब देखो भाई जितना भी अच्छा खाना खा लो अब जब तक लास्ट में कुछ अच्छा मीठा ना मिले ना तब तक वो सब कुछ अधूरा ही लगता है। तो ये देख लो ये मेरा ब्राउनी फैंटेसी, इसको मैंने कई बार टेस्ट करा हुआ है। वैसे आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को डोमिनोज का ये ब्राउनी फैंटेसी अच्छा लगता है या फिर चोको लावा केक। खैर कोई नहीं, हो गया मेरा ये चैलेंज कंप्लीट। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये चैलेंज और फ्यूचर में इस टाइप के वीडियोस और भी देखना चाहोगे या नहीं देखना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताना। और ये भी बता देना साथ साथ कि अगर नेक्स्ट में कोई अगर चैलेंज करूं 24 आवर्स का, आप लोग किसका चैलेंज देखना चाहते हो, KFC, पिज्जा हट, बर्गर किंग या फिर टाको बेल, कमेंट करके जरूर बता देना। चलो अब मैं ज्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, ऑलरेडी ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर यहाँ तक ये वीडियो को आप लोग देख लिया होगा तो ऑब्वियसली ये वीडियो अच्छा लगा ही होगा। एंड ये जो सारा दिन मैंने डोमिनोज का सारा आइटम जो खाया है ना इन सबका जितना भी टोटल हुआ ना तो देख लो ये चैलेंज करने के लिए मेरा इतना पैसा खर्च हुआ। बस जाते जाते यही बोलूंगा कि वीडियो को एक लाइक कर देना और अभी तक इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट किसी वीडियो में। चलो बाय।